दोस्तों वीवो ने अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि है वीवो Y30। और दोस्तों यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ोन कंटेंट एंजॉय करने के लिए बनाया है या ये फ़ोन गेमिंग के लिए बनाया है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं। दोस्तों जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है, इस प्राइस रेंज में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया मोबाइल फ़ोन का। दोस्तों यहाँ पे पहले मैं इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा के बारे में बात करना चाहूँगा। बैक साइड पे दोस्तों आपको मिल रहा है क्वाड कैमराज का सेटअप। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट रेयर कैमरा है जो कि नॉर्मल पिक्चर्स के लिए यूज़ होगा, वो है 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों उसके नीचे आ जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों उसके नीचे आ जाता है डेप्थ सेंसर कैमरा, वो है 2 मेगापिक्सल का। और जो लास्ट कैमरा है दोस्तों वो भी मैक्रो लेंस कैमरा है, वो भी दोस्तों 2 मेगापिक्सल के। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मेगापिक्सल मतलब कुछ ज़्यादा ही वीवो ने कम कर दिया प्राइस टैग को लेके, मतलब प्राइस इतने भी कम नहीं कि जितना उन्होंने लेंस वगैरह नीचे जो 2 मेगापिक्सल के हैं वो कम कर दिए हैं। दोस्तों फ्रंट साइड पे 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है फ्रंट कैमरा, और वो है पंच होल डिस्प्ले के साथ। अब वीवो इसे आई व्यू कैमरा कहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो कैमरा है दोस्तों पंच होल के साथ। अब इस प्राइस रेंज में पंच होल आपको मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। मतलब ये स्मार्टफोन आप खरीद लें कि आपको एक गुड लुकिंग फ़ोन चाहिए, ना तो आपने गेमिंग करनी है ना आपने यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया। दोस्तों इस फ़ोन को लेके बुरी बात यह है कि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है हीलियो P35। अब दोस्तों हमें याद है कि हुआवे का जब Y7 Prime या Y9 आया था, उसमें जो प्रोसेसर Snapdragon 822 यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा Snapdragon है। लेकिन यहाँ पर जो हीलियो P35 है दोस्तों, ये Snapdragon अच्छा तो खैर नहीं, उससे भी कम है। दोस्तों ये गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं सही। और यहाँ पे दोस्तों आपको 4GB की रैम दे दी गई है, मतलब रैम 4GB की और जो प्रोसेसर है वो हीलियो 85, तो मतलब कंपैरिजन नहीं बनता। शायद आपके ऊपर की जो 2GB की रैम होगी वो फारी ही रहेगी, वो दोस्तों यूज़ में ना आ सके। दोस्तों ये एक बहुत बुरी बात है। उसके बाद जब मैं डिस्प्ले पे आऊँ तो डिस्प्ले भी आपको 720p रेजोल्यूशन में मिलता है। आपको बाकी मोबाइल में मिलता है 1080p रेजोल्यूशन, लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में आपको 720p मिल रहा है। मतलब हम अच्छी तरह से कंटेंट इन्जॉय कर सकते हैं। और जो रैम अच्छी दे दी गई है 4GB, लेकिन जो हीलियो P35 है उसमें हम ये 4GB ही दोस्तों रैम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि रैम का दोस्तों मकसद यही होता है कि एक टाइम पे हम कितना डाटा प्रोसेसर में दोस्तों भेज सकते हैं, लेकिन आगे अगर प्रोसेसर छोटा हो रैम बड़ी हो दोस्तों उस रैम का फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे रैम इस वजह से शायद वीवो ने रखी है इतनी ज़्यादा 4GB कि जो लोग हैं आजकल ज़्यादा दोस्तों वो रैम पे फोकस करें, जो कि रैम दोस्तों मैटर नहीं करती, मैटर प्रोसेसर करता है। दोस्तों आपको ये फ़ोन मैं कहता हूँ नहीं ख़रीदना चाहिए इस प्राइस टैग में, आपको हुआवे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पे भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप वो फ़ोन ख़रीदें कि जिसके ऊपर एक्सप्लोर इट फ्रॉम ऐप गैलरी ना लिखा हो, ताकि आपको प्ले स्टोर मिल जाए। और प्ले स्टोर में ही आप सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप गैलरी में काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं हुआवे में जो हम नहीं डाउनलोड कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई भी गूगल की सर्विस जिसमें यूट्यूब वगैरह आ जाता है, या गूगल की और सर्विस जिस तरह जीमेल, यूट्यूब, तो वो अगर आपने चलानी है तो आप क्रोम में जाके लिखेंगे www.youtube.com, तो आप वहाँ से दोस्तों जाके यूट्यूब ओपन कर सकते हैं हुआवे के मोबाइल्स में। दोस्तों अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फ़ोन की जो बैटरी है वो अच्छी है, मतलब यहाँ पे जो रैम है वो यूज़ होने नहीं वाली ऊपर 2GB, और जो हमें प्रोसेसर मिल गया है जो मेन खाता है बैटरी को, वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा दिल गया, तो वो भी ना खाएगा इतनी ज़्यादा दोस्तों बैटरी। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो भी दोस्तों 720p है, तो सारे जो कंपोनेंट है वो बैटरी कंज्यूम नहीं करेंगे, तो इस वजह से बैटरी आपको अच्छी दे देगी है, और बैटरी दोस्तों आपकी इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा इस फ़ोन के बारे में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।